सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी आप सामने देख रहे हो द ऑल न्यू टाइगुन, ठीक है। क्रेटा और सेल्टॉस की अराइवल है, और ये जो कलर है वाइट कलर, और वाइट कलर में ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम ये कार लग रही है। मैंने आपको एक कलर पहले ही दिखा चुका है इस कार का, और वो है ये वाला येलो कलर। इसमें भी बहुत ज़्यादा क्लासिक की गाड़ी लगती है, लेकिन जो ये कलर है ना वाइट, इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब लुक दे रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रीमियमनेस वाली लुक दे रही है और लॉन्ग लास्टिंग लुक दे रही है कि ये कलर कभी आपको खल लेने वाला पूरी लाइफ टाइम पे। तो सामने से इसकी बात करें, वही आपको सेम मतलब जो टाइगुन मैंने आपको येलो कलर में दिखाई थी, सेम वही मॉडल है, ठीक है। ऑटोमेटिक है, 1 लीटर है, TSI है, ठीक है, विद टर्बो इंजन। तो पहले हम बात करें, LED आपको मिल जाती है इसमें, ठीक है। सामने से आपको LED बल्ब मिल जाते हैं, दोनों के दोनों प्रोजेक्टर्स हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्टर है और एक जो LED है वो रिफ्लेक्टर है। नीचे आपको DLLs मिल जाती हैं, और सामने से ना लुक इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, तगड़ी लुक आ रही है। मतलब क्लासी जो Volkswagen का जो DNA है वो इस गाड़ी में ना सामने झलकता है, और ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है तो ऊपर से आपको बार बार रिफ्लेक्शन आ रही है, शो के लिए उन्होंने लगाई हुई है। नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, और उसके साथ साथ ही जो इसके फॉग लैंप्स हैं ना, फॉग लैंप्स पे इन्होंने क्रोम जो है दिया हुआ है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, अगर ये क्रोम मतलब कई कंपनीज हैं इसकी लुक ज़्यादा इतनी ज़्यादा जो इसकी लुक है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, तो कंपनीज क्या कंपनी ये भी कर सकती थी कि जो इसका क्रोम है ना, क्रोम फिनिश जो इन्होंने दी है फॉग लैम्प्स के अराउंड, वो कंपनीज मिस भी कर सकती थी ये फीचर, लेकिन नहीं, Volkswagen ने जो है क्रोम दिया है, ठीक है, कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। तो बोल्ड तो ये बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। मतलब जो Volkswagen ने ये डिज़ाइन दिया ना इसको, वो बॉक्सी भी लग रहा है, SUV-ish तो है ही है, लेकिन मतलब बोल्ड डिज़ाइन के साथ साथ इन्होंने जो है कट्स और क्रीजेस भी दी हुई हैं। अब लाइक मैं इसके पास आता हूँ, तो जो इसके साइड लुक है, साइड लुक पे आप ध्यान से गौर करो, काफ़ी मतलब एक तो जो क्रीज है वो ये जा रही है कट क्रीज, और दूसरी ये चीज़ जो ये चीज़ है, मतलब ये इस कार को ना बोल्ड स्टांस भी देती हैं विद शार्प एज लाइंस, तो उससे इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे इसके हैं अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स का साइज़ आपको पता है कितना है, अलॉय व्हील्स का साइज़ है 205/55 R17 इंचेस के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। जो ORVMs हैं, ORVMs आपको बॉडी कलर ही मिलेंगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। डुअल टोन में मिल जाते हैं आपको, नीचे मैट फिनिश और ऊपर जो है बॉडी कलर, बीच में आपको मिल जाती है LED इंडिकेटर। जो बी पिलर है वो आपको मिल जाता है ब्लैक फिनिश में। हालांकि ये चीज़ बहुत अच्छी है कि प्रीमियम जो है टाइगुन को लोग मानते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको मैट की जगह पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मेरे को इसकी अच्छी लगी है ना, वो पता है क्या है, अब आप डोर हैंडल देखो, जो क्रोम फिनिश है ना वो आपको कंपनी से ही आ रही है, आपको यहाँ पे क्रोम लगवाना नहीं पड़ता। मतलब जो क्रोम किट है ना वो आपको लगवानी नहीं पड़ रही इसके टॉप लाइन वेरियंट में, वो आपको यहाँ पे नीचे ही मिल जाती है। और उसका बेस मेन चीज़ क्या है, वो डिज़ाइन बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है, जो कि सिर्फ बीच में ही है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। तो एक जो डोर हैंडल है ना वो इसका आ जाता है डुअल टोन टाइप्स में, फिर जो क्रोम स्ट्रिप है वो इसकी विंडो लाइन में भी रन करती है पूरी। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको बाहर से जो है क्रोम किट इसमें लगवाने की ज़रूरत है नहीं। फिर ऊपर जो इसकी रूफ रेल्स आ रही हैं, रूफ रेल्स भी आपको डुअल टोन में एक टाइप की मिल जाती हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो सिल्वर फिनिश है और नीचे आपको थोड़ी सी ब्लैक फिनिश मिल जा रही है। फिर सनरूफ, अच्छा जो लोग लेते हैं ना ऐसी गाड़ियाँ सनरूफ वाली, ब्लैक कलर्स में लेते हैं, या फिर किसी, अगर सपोज आप रेड में ले रहे हो या फिर आप कोई और कलर ले रहे हो तो उसमें तो ठीक है। अब लेकिन जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर में दिखता नहीं है, मतलब अगर आपको शो ऑफ करना है, शोबाजी करनी है, तो उसमें आपको ना दिखता नहीं है ऊपर अलग से जो सनरूफ है वो नहीं दिखती। अब लाइक ये वाइट कलर है, इसमें ऊपर से सामने पता चल जाता है कि हाँ भाई सनरूफ वाली गाड़ी सामने से आ रही है, ये चीज़ बहुत इजीली पता चल जाती है। तो वाइट कलर लेने का एक ये चीज़ है, एक तो गंदा नहीं होगा बहुत जल्दी वाइट कलर, क्योंकि दस ज़्यादा देर मतलब आपको पता नहीं चलता है, ब्लैक पे दिखती भी है, और ऊपर से इसमें आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि ऊपर आपको सनरूफ इजीली दिख जा रही है। अब जो बैजिंग है Volkswagen की जो आती है वो यहाँ पे भी आ रही है, स्कोडा ऑटो Volkswagen इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पहले स्कोडा का नाम है, मेरे को नहीं पता क्यों, शायद Volkswagen होना चाहिए था। यहाँ पे आपको मिल जा रहा है नॉन पोल्यूशन व्हीकल्स, तो ठीक है। अच्छा फिर जो वाइपर है ना, वाइपर एक चीज़ आप चेक करना, जो ये वाला वाइपर है वो थोड़ा सा अलग क्वालिटी का है, और जो ये वाला है इसको ऐसा लग रहा है कि नंगा ही दे दिया हुआ, लेकिन ठीक है, मतलब यहाँ पे ये वाला वाइपर भी सेम वैसा दे सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी भी कॉस्ट कटिंग करती है। तो अच्छा ये एक चीज़ चेक करो, स्कोडा और Volkswagen वाले, स्कोडा का तो अभी फिलहाल मुझे पता नहीं, अब इसका जो चेसी नंबर है वो सब कहाँ है, ये चीज़ मैंने जस्ट अभी नोटिस करी। ये देखो, देख रहे हो मतलब कितना क्लासिकली ये चीज़ दी हुई है। हम बाकी कंपनीज में इंजन में भी देते हैं, वहाँ पे भी देते हैं, डोर साइड पे देते हैं, यहाँ पे आपको ये देखो यहाँ पे मिल रही है ये चीज़, और ये एक चीज़ ना मैंने आज तक किसी कंपनी में नहीं देखी, और ये चीज़ मैं किस में देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ मैं Volkswagen में। अब जब मैं स्कोडा की कुशैक वगैरह देखने जाऊँगा तो उसमें भी मैं देखूँगा कि क्या मुझे ये चीज़ देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। अब बात करें इसके साइड लुक की, ठीक है, यहाँ से आपको ब्लैक क्लैडिंग जो है वो पूरी कार को कवर करती है, फ्रंट से भी, साइड से भी और पीछे से भी। तो साइड से जो इसकी ब्लैक क्लैडिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जा रही है, और डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है।
पूरे फ्रेम में आप इस गाड़ी को देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा ये डिज़ाइन है। अगर आपको क्रेटा और सेल्टॉस पे नहीं जाना है ना, फॉक्स वैगन की टाइगन बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्कॉडा की कुशैक को भी ये बहुत अच्छा राइवल जो है वो बहुत अच्छा कम्पीट ये करती है। अब एक बार इसके चलते हैं इंटीरियर में। तो भाई ये रहा इसका क्लासिकल प्रीमियम इंटीरियर, ठीक है। यहाँ पे आपको डुअल टोन में मिल जाता है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पे सिल्वर फिनिश। एक बार इसके अंदर बैठ के देखते हैं। और भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि डोर्स में ना, मतलब क्वालिटी में इन्होंने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अभी भी कार जो है ना बिल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, फील होती है। और ऊपर यहाँ पे आपको एलईडी मिल जाते हैं, ये कार पूरी की पूरी एलईडी से भरी हुई है। ये रहा इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि बहुत अच्छा है। एक चीज़ सबसे बेस्ट पता है क्या, अब आप खुद देखो वहाँ पे आपको जो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, ये टॉप लाइन वेरिएंट है। और यहाँ पे भी आपको जो मीडियन है रेवोल्यूशन है वो आपको मिल रहा है, तो इससे ना प्रीमियमनेस कार की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो स्कोडा की कुशैक है, कुशैक में क्या है, वहाँ पे आपको जो है वो एनालॉग मिलता है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एनालॉग मिलता है, लेकिन फॉक्स वैगन के इसमें टॉप लाइन में आपको वो जो है डिजिटल मिल रहा है। तो इसमें जो है फॉक्स वैगन बाजी मार जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको यहाँ पे मतलब पूरा डिजिटल जो है आपको फील हो रहा है, तो इससे ना कार की प्रीमियमनेस बढ़ जाती है। ऊपर से आपको यहाँ पे सनरूफ भी मिल रही है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे दोनों के वेंटिलेटेड सीट्स के आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये रहा इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। फिर यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और दो आपको इसमें सी टाइप चार्जर मिल जाते हैं, दो यहाँ पे आगे और दो पीछे मिल जाते हैं सी टाइप चार्जर। ये चीज़ अच्छी है। स्टेयरिंग में आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। अब आप देखो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कितना सही लगता है, ये चीज़ है। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी ना पहले, मैंने इसका ड्राइव रिव्यू भी मैंने कर रखा है, और जिन्होंने इसकी फॉक्स वैगन की टाइगन की टॉप लाइन का अभी रिव्यू नहीं देखा है ना, वो लोग मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। वो येलो कलर में है और ये वाइट कलर में है, जस्ट फर्क ये है। अब यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड पे वहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक का मतलब सेंट्रल लॉकिंग आपको इसमें मिल जाती है, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। और अब मैं आपको बताता हूँ, पीछे चलते हैं एक मिनट इसके, और फिर मैं आपको बाकी का बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी। टोटल 5 हेडरेस्ट है और पांचों के पांचों आपको जो है एडजस्टेबल मिलते हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब मैंने जो फ्रंट की सीट है वो मैंने पूरी पीछे कर रखी है। अब इसके पीछे का पीछे की स्पेस हम देखते हैं कि स्पेस हमें पीछे कैसे मिलती है। तो भाई स्पेस देखो, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो मेरी नीज टच भी नहीं हो रही, और कितना ज़्यादा गैप है, मेरी नीज टच भी नहीं हो रही, और जो फ्रंट की सीट है मैंने पूरी पीछे कर रखी है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ आपको यहाँ पर भी LED लाइट्स मिल जाती हैं, ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। सनरूफ आपको मिल जाती है, हालांकि मुझे लगता है कि कंपनीज को ना पैनोरामिक सनरूफ देनी चाहिए। अगर उनको क्रेटा से राइवल, अगर इन कंपनीज को ना क्रेटा को राइवल करना है तो पैनोरामिक सनरूफ मस्ट है। अब जैसे सेल्टॉस है, सेल्टॉस में भी यही सिंपल सी सनरूफ आती है, तो उसकी भी ठीक है, उसको ये राइवल कर लेंगे इजीली। लेकिन जो लोग पैनोरामिक सनरूफ चाहते हैं वो तो उनको तो जाना ही क्रेटा पे पड़ेगा सिर्फ, ये चीज़ तो है ही है भाई। तो पीछे भी यही है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, मतलब फिट फिनिश अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। अब देखो ये जो डोर हैंडल है ना, मैं इसको दबा रहा हूँ तो कहीं से चूँचा की आवाज़ नहीं आ रही, और यही अगर मैं किसी बाकी गाड़ियों में करता हूँ ना तो वहाँ से आती है आवाज़, प्लास्टिक बजने की आवाज़ आती है। यहाँ पे आपको पीछे AC वेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको दो सी टाइप जो चार्जर्स हैं वो मिल जाते हैं। अब लोग कह रहे हैं सी टाइप काफ़ी फेमस हो रहा है, लेकिन जो लोग अभी सी टाइप यूज़ नहीं करते भाई, उनको तो सिर्फ वो जो 12 वोल्ट का सॉकेट है उनके पास एक वही ऑप्शन है, और एक जो वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन है सिर्फ वही है। अब सी टाइप लाइक मेरे पास भी मेरा जो फोन है वो भी सी टाइप है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता सी टाइप चार्जर, मुझे USB ही चाहिए, तो USB का यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, सिर्फ सी टाइप का, लेकिन फिर भी ऑप्शन तो है। फ्रंट की जो दोनों सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड हैं, और सेम आपको परफोरेटेड सीट्स ना पीछे मिल जाती हैं, हालांकि पीछे की वेंटिलेटेड नहीं है। बूट स्पेस वगैरह सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। तो यही था गाइज इसका एक रिव्यू। तो अगर आपको चैनल पे मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आप चैनल पे मेरी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। और अगर आपके कोई मतलब सवाल हो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछें, मैं उनको ज़रूर आंसर करूँगा। तो यही था गाइज इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।